हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कार्निवल ब्लॉग में। अभी मैं आ चुका हूँ पटना, पटना जू। और जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड भी देख रहे होंगे पटना जू का, तो अभी चलने वाले हैं हम लोग पटना जू के अंदर में और देखते हैं कि जू में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह का ये एक्चुअली ये बायोलॉजिकल पार्क भी है शायद। तो सारी चीज़ों का एकदम डिटेल्स में जानेंगे, तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और दोस्तों यहाँ का टिकट प्राइस है 30 रुपीज़। मैं टिकट कटा चुका हूँ और ओपनिंग टाइम है 8 बजे, यानी 8 बजे सुबह मॉर्निंग से ये ओपन होता है। बट अभी मैं थोड़ा पहले आ चुका हूँ तो मुझे करना पड़ेगा वेट। बट थोड़ी देर के वेट के बाद फिर चलते हैं अंदर और डिटेल्स में सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और ये सामने जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है टिकट घर, यहीं से मैं 30 रुपीज़ का भी टिकट कटाया हूँ। ये सामने देख रहे हैं एंट्री गेट है, अभी चलेंगे अंदर। और मैं एक बार आपको यहाँ पे बाहर का एरिया दिखा दे रहा हूँ पार्किंग के लिए। पार्किंग के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस दिया गया है, कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं है। बैठने उठने के लिए बहुत सारी जगह हैं, यहाँ पे पानी वानी पीने के लिए भी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। दोस्तों अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है पटना जू, और काफ़ी गार्डन है, हरा भरा है, बहुत सारी जानवर भी है। तो देखेंगे अंदर क्या क्या है। सबसे पहले मैप देखते हैं। तो दोस्तों ये है एक मैप, अभी देखते हैं मैप को फॉलो करके हम लोग क्या क्या कर पाते हैं। दोस्तों ये आप दुकान को देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक लुक में है, पूरा बांस से बना हुआ है, एकदम गोल सा, थोड़ा अच्छा लग रहा है और यूनिक भी लग रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, वाइल्ड डॉग, ब्लैक पैंथर। और जू के अंदर में बहुत पुराने ज़माने वाला जो ट्रेन होता था भाप के इंजन से चलने वाला, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे रखा गया है, लोग देख सकते हैं, घूम सकते हैं थोड़ा बहुत। ये ऐसे बच्चों को बैठा के पूरा टूर करवाया जाता है पूरा जू का। तो चलिए आपको बैठ के दिखाते हैं, इस तरह से बैठ करके आप पूरा जू का टूर ले सकते हैं इसमें। अभी ये चालू नहीं हुआ है, अगर चालू हुआ तो रेट पूछ लेंगे क्या रेट है इसका। और दोस्तों जू के बीच में देखिए एक प्रॉपर प्लेन रखा हुआ है, देखते भी चल के क्या रियल प्लेन है या फिर कॉपी है। और दोस्तों प्रॉपर प्लेन है ये, मुझे तो लग रहा था ऐसा फेक होगा, बट ये फेक नहीं, ओरिजिनल है प्लेन, बिहार सरकार का, ऐसे शोपीश में रखा गया है, शायद सिंगल सीटर है या डुअल सीटर होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग जू के अंदर आ चुके हैं और ये देख रहे हैं गुफा, ये गुफा टाइप का पूरा बना हुआ है और जो कि पेड़ पौधे से पूरा एकदम बनाया गया है डिज़ाइन करके। अभी चलने वाले हम लोग और देखते हैं कौन सा घड़ियाल शायद सामने अभी हम लोग को दिखने वाला है, तो चलिए आपको घड़ियाल दिखाते हैं। और दोस्तों फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घड़ियाल वाले सेक्शन में और यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारा घड़ियाल अभी पानी में है, देखिए पानी में है और कुछ उस साइड में आराम कर रहा है। बहुत सारा घड़ियाल है, मुझे तो लगा एक दो होगा, बट देखिए मूवमेंट कर रहा थोड़ा सा बॉडी का। इसमें 6-7 घड़ियाल है, नाक जो है थथुना थोड़ा येलो का अलग टाइप का रहता है एलिगेटर या फिर क्रोकोडाइल से। और देखिए यहाँ पे देखिए मछली, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारा मछली है और घड़ियाल के तालाब में है, मतलब समझ रहे हैं घड़ियाल मछलियों को शायद खाता नहीं है, या क्या पता खाता भी हो, कुछ कह नहीं सकते हैं। इधर भी बहुत सारा मछली है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था यहाँ बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, पूरा झील है बजापते पूरा। और देखिए कुछ लोग यहाँ बोटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, चचा देखिए आराम से बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं और गाना सुन रहे हैं। और दोस्तों देखिए अंदर में जिराफ है, एकदम खड़ा है शांति से, मुँह चबा रहा है और खा रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ओरिजिनल है, ऐसा लग रहा है कि डुप्लीकेट है, स्टैचू है, बट ओरिजिनल है दोस्तों, बहुत सारे जिराफ है। और दोस्तों सामने देख रहे हैं स्कूल का स्टूडेंट लोग बंक मार के यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्कूल अब्सेंट कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं इस पार्क में ऐसा भी होता है। और दोस्तों इस साइड में देखिए जंगली भैंस आराम कर रहा है, एकदम रिलैक्स कर रहा है। चलिए उस साइड चल के आपको हाथी दिखाते हैं, जिस साइड में हाथी रेस्ट कर रहा है पानी के अंदर। और गर्मी भी मारे देखिए दोस्तों, हाथी अपने सूर हिला के वहाँ से हाई कर रहा है सेल्फी के लिए, देखिए ना, कह रहा है सेल्फी ले लीजिए, बट मैं क्या करूँ, मैं तो वीडियो ही ले रहा हूँ। शर्मा गया रे, शर्मा के पानी के अंदर चले गया। और दोस्तों इस साइड से देखिए बहुत सारा घड़ियाल का बच्चा लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, आराम फरमा रहा है एकदम। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको, देख बाबू तुम्हें कुछ बुझा रहा है, मतलब देखिए सेल्फी खिंचाने के लिए कितना परेशान हो रहा है, फोटो और वीडियो गिरवा रील्स बनाने के लिए कितना परेशान हो रहा है, गेंडा 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 कम है, गेंडा स्वामी ज़्यादा हो गया है।
ये है इनका पूरा रहने का एनवायरनमेंट, रहने की जगह, हल्का पानी हल्का मिट्टी। अभी चल रहे हैं दोस्तों हम लोग सामने नेक्स्ट ये लोकेशन की ओर, देखते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे किस तरह का जानवर हम लोग को मिलता है, क्या मिलता है नहीं मिलता है, सारी चीज़ों के एकदम डिटेल्स में जानते हैं। और दोस्तों इधर देखिए आपको मैं हिरन दिखाता हूँ, इस साइड में है, थोड़ा नेट के अंदर है, इधर से थोड़ा पास चलते हैं और देखिए शायद अब आपको दिख रहा होगा, जो कि थोड़ा मैं जूम करता हूँ, अब देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है बहुत सारा हिरन है, पूरा उसका बच्चा लोग का पूरा फैमिली है, पूरा ग्रुप है यहाँ पे बैठा हुआ। और इस साइड देखिए दोस्तों, इस साइड है बहुत सारे हिरन, देखिए आपको दिखाते हैं फिर पास पास भी चल के दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, हमको डर नहीं लगता है ये सब जानने से, वो अलग बात है कि इसके पास बहुत खतरनाक खतरनाक सिंह है, पेट उट में घुसा दिया तो फिर गया हम काम से। और इस साइड में देखिए दोस्तों जेब्रा है, थोड़ा कमज़ोर है, क्या कर सकते हैं, जू वाले अच्छा सा खाना पीना नहीं दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एकदम सब सेल्फी मोड में सब आके खड़ा हो गया है, बढ़िया बढ़िया रील बनाने बोल रहा है, देखते हैं किसका बढ़िया रील बनता है। अरे देखिए कितना जल्दी आ गया, ये कैमरा सही नहीं है दोस्तों, लेकिन कितना प्यार से खेल रहा है लोग पानी के अंदर, बहुत प्यारे होते हैं दोस्तों बिलाव, बहुत प्यारे होते हैं। और ये लगता है न्यू ओपनिंग है, अभी शायद न्यूली ओपन हुआ है, बहुत सारे इसमें बर्ड्स वगैरह है अलग अलग तरह की, ब्लैक काइट है, शिकारा है, ब्लैक विंग काइट है, और यहाँ पे देखिए भारतीय मोर, कैसा लग रहा है दोस्तों आपको, कैसा लग रहा है तुमको भारतीय मोर होने में, गर्व हो रहा है, राष्ट्र पक्षी है आप, कुछ कहना चाहिए आप इस बारे में, अरे मेरा कैमरा खाने के चक्कर में है। और उस साइड से दोस्तों तोता वाई लगा रहा है, बोल रहा है मेरा वीडियो बना दीजिए, बट उसका भी हम लोग नहीं बनाएंगे, पहले इसका बनाएंगे, ये कुछ कुछ कर्तव्य करके दिखाइए, हाँ हाँ ये आप अच्छा कर रहे हैं, देखिए आप पैर में अंगूठी पहने, पैर में अंगूठी पहना दी आप, कौन पहनाया पैर में अंगूठी, अरे पत्थर दे रहा है, पत्थर ला के दे रहा मुझे, लाइए दीजिए, लाइफ तक जा रहा है, पत्थर दे दीजिए, लाइ नहीं देगा पत्थर, गुस्सा आ गया, रील बनाने बोल रहा है, बना दिए इतना रील तो बना दिया, अब कितना बनाए, देखिए गुस्सा आ रहा है, जा रहे तो गुस्सा आ रहा है मेरे को। और इस साइड देखिए दोस्तों सफ़ेद मोर है, वाइट मोर, कैसा लग रहा है आपको, प्यारा लग रहा है, थोड़ा साई है ये, काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और दोस्तों ये है अपना पुराना वाला बर्ड का ये पूरा सेक्शन, बहुत छोटे छोटे इसमें बहुत सारा बर्ड्स है, पहले यही वाला बर्ड्स चलता था, ये वाला सेक्शन ये भी नया बनाया गया है, न्यूली ओपन है, फ्लावर वगैरह पूरा सजाया गया है और अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों देखिए इस साइड है शुतुरमुर्ग, आ इधर इधर आ, रील बना देंगे तेरा, देखिए रील का नाम लिए हम दौड़ के आया, देख रहे हैं ना इन लोगों को रील कितना बनवाना है, वो भाग रहा है, वो थोड़ा शर्मा रहा है, आ रील बना देंगे तेरा, अच्छा से बना देंगे एकदम, देखिए आ गया, रील का नाम लो तो एकदम दौड़ के आ जाता, आ अच्छा से रील बना देंगे तेरा, देख रहे हैं ना एकदम खुश है पूरा एकदम। और दोस्तों देखिए ये है शुतुरमुर्ग का एक और प्रजाति, देखिए पैर कितना इसका मोटा है, ये देखिए देखिए शरीर से कितना भारी है ये, कम से कम नहीं भी तो हमको लगता है 30-35 किलो से कम नहीं होगा, ये इतना मोटा है इसका पैर, इतना बड़ा है इसका शरीर, और इस साइड चलिए आपको दिखाते हैं शायद भालू वगैरह हो, बेयर, कौन सा बेयर है, गुफा वुफा तो बहुत अच्छा बनाया गया है बट भालू दिखाई नहीं पड़ रहा है, हिमालयन काला भालू, काला तो छोड़ दिया, यहाँ सादा, अरे ये तो एकदम कमज़ोर लगती है, ये को भालू यहाँ पे भिटाया है एकदम,
लेकिन लगता है उसको कि डेढ़ दो साल से उसको खाना नहीं मिला है, एकदम कमजोर लेग पीस हो गया है। आओ आओ तेरा वीडियो बना देंगे, अच्छा से इधर आओ। देखिए वीडियो का नाम लेते हैं तो सब दौड़ के आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा शर्मा रहा है, बेचारा खाना नहीं मिला ना बहुत दिन से इसीलिए। और ये साइड जो देख रहे हैं दोस्तों, इस साइड है पूरा सांपों का अलग अलग बॉक्स, अलग अलग तरह का बहुत सारे सांप हैं। चलिए आपको चलकर दिखाते हैं। और देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे इलो लगता है पूरा पी के सो गया है, पूरा एकदम कुछ नहीं करेगा, बुलाते हैं इसको कभी चाय पानी में घर पे। और दोस्तों इस साइड देखिए, इस साइड है कोबरा, और यहाँ देखिए कोबरा के लिए बजाबते एसी लगाया गया है, उसके लिए यहाँ चूजा डाला गया है, बताइए मतलब कोबरा का इतना सेवा हो रहा है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है बाघ वाला पिंजरा, इसमें बाघ रहता है, चलेंगे अभी वो भी दिखाएंगे आपको। इस साइड में सांप वाला है, और ये जैसा आप देख रहे हैं पूरा जंगल जंगल सा, आपको मैं बताया था पूरा जंगल ही है ये, जू कमर जंगल ज़्यादा है, मतलब जानवरों के लिए है, उसको ऐसा लगेगा कि मैं एकदम रिलैक्स अपने घर में हूँ, बट ये ज़रूर सी बात है कि वो पिंजरे के अंदर बंद है। दोस्तों ये सामने जो आप देख रहे हैं, एकदम पोलियो मार दिया है इस बाघ को, बहुत कमजोर सा ही बागड़ बिल्ला है, एकदम मसल्स इसका पूरा ढीला पड़ गया है, पानी पी रहा बेचारा, खाना नहीं मिला लगता दो चार साल से, काफी दूर में है अभी, हम लोग ग्लास के इस साइड में खड़े हैं तो वो नहीं आ सकता है अपना भूख मिटाने हम लोग के पास में। और दोस्तों देखिए अभी हम लोग एकदम जंगल के बीच से होकर के जा रहे हैं, मतलब देख रहे हैं किस तरह का यहाँ पे माहौल है, मैं आपको बताया था यहाँ पे थोड़ा डर डर सा आपको लगेगा, क्योंकि कोई आदमी उतना दिखेगा नहीं, बहुत मुश्किल से दो चार आदमी आपको दिखेगा और फिर आपको नहीं दिखेगा, अगर कोई जानवर गलती से कहीं छूट छाट के बाहर निकल गया तो खदेड़ देगा आपको, समझ लीजिए। यहाँ पे तो है बहुत सारे लोग, लगता है कोई धासू सा जानवर यहाँ पे होगा, चलिए चल के देखते हैं क्या है यहाँ पे, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे चिंपैंजी है दोस्तों यहाँ पे, देखिए चिंपैंजी है यहाँ पे टहल रहा है, देखिए उसको हाथ हिलाएं तो वो देख रहा है थोड़ा सा, मस्त चीज है लेकिन। और ये है पूरा चिंपैंजी का गुफा, इस साइड कोना में छुप के बैठा हुआ है, देखिए लकड़ी उठा के बीड़ी पिल रहा है, देखिए मतलब कितना बदमाशी करता है लोग। और दोस्तों मैं आपको क्या बोला था, बागड़ का बिल्ला दिख जाएगा, बट देखिए दिख गया बागड़ बिल्ला तेंदुआ, मतलब क्या ही बताऊं, एकदम काफी फास्ट है ये, और दोस्तों ये देखिए इधर है भेड़िया, मतलब देख रहे हैं कितना खतरनाक है यहाँ पे भेड़िया, ये वही जानवर जो शेर से भी नहीं डरता है, बाघ से भी नहीं डरता है, सब पे अटैक करता है तेंदुआ को छोड़कर, तेंदुआ फास्ट ज़्यादा है इसीलिए। और दोस्तों पूरा जू टूर करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारी इस तरह का गोल्फ कोर्ट वाला गाड़ियाँ भी मिल जाएगी। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप गोल्फ कोर्ट वाली इस तरह की गाड़ियाँ भी बुक कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर पर्सन 55 रुपया है, पूरे आपको जू का टूर कराया जाएगा भैया, पूरा जू का टूर कराया जाएगा ना, इसमें पूरा चिड़िया खाना घुमाया जाएगा सिर्फ 55 रुपये पर पर्सन में, जो कि बहुत ही जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज आपको ओवरऑल वीडियो, पूरे पटना जू का मैंने टूर करवाया, अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आया हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें हमें, और इसी तरह का कोई और नई जगह जो हमसे छूट रहा हो अपने बिहार में वो भी बताएं, मैं उससे भी टूर करूँगा और आपको एक्सप्लोर करके पूरे डिटेल्स में सारी चीज़ों को दिखाऊँगा बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अलग टॉपिक के साथ में, तब तक लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।